नमस्कार, मैं जिगिसा जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम फालूदा के लिए सेव बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने 3 बाउल लिए हैं और 3 में एकदम चिल्ड पानी डाला है। और फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर आइस क्यूब भी डाले हैं। और ये है फूड कलर, लिक्विड फूड कलर है रेड एंड ग्रीन। और ये पाउडर फॉर्म में फूड कलर है, ये है लेमन येलो कलर। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो उस कलर का आप यूज करें। लिक्विड फॉर्म में है तो भी यूज कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म में है तो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप विदाउट फूड कलर भी इसको बनाना चाहे तो भी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लेमन येलो कलर डाल दिया है और इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। अभी ये थोड़ा लाइट है, मैं इसको थोड़ा डार्क करना चाहूंगी तो और थोड़ा मिलाऊंगी। 3 चुटकी जितना मैंने फूड कलर यूज किया है। एकदम लाइट कलर का अगर आप पानी रखेंगे तो जब आप इसके अंदर सेव डालेंगे ना तो सेव एकदम लाइट कलर की होगी, थोड़ी डार्क कलर की होगी तो देखने में ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। ये लिक्विड फूड कलर ग्रीन कलर है तो चम्मच से हम डालेंगे इस तरह से। अगर आप एकदम लाइट कलर रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसी तरह से मैं तीनों कलर का बाउल तैयार कर दूंगी। और जब ये अच्छे से हम इस कलर को डाल के मिक्स कर ले, इसके बाद हम तीनों बाउल को फ्रीज में रख देंगे। इसके बाद ही हमें सेव बनाने की प्रोसीजर आगे बढ़ानी है। और ये पानी एकदम ठंडा रहना बहुत ही जरूरी है, तो मैं तीनों बाउल को फ्रीज में रख दूंगी। यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर। तो 1 कप भर के कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है। आप कोई भी एक कटोरी को सेट कर सकते हैं। अगर आप 1 कटोरी या 1 कप कॉर्नफ्लोर लेते हैं तो आपको 3 कप पानी लेना है। एक साथ 3 कप पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, पहले हम 1 कप पानी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम बाकी के 2 कप पानी भी इसके अंदर डाल देंगे और फिर से हम इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ अगर आप ज्यादा पानी, 3 कप पानी डाल देंगे तो लम्स रहने के चांसेस होते हैं। तो पहले 1 कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहेंगे और फटाफट से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रख देंगे और मैं आपको संचा दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से सेव बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से संचा आता है और इसमें जाली आती है। तो ये बड़े छेद वाली जाली और बारीक छेद वाली जाली है, तो मैं एकदम बारीक छेद वाली जो जाली आती है ना उसका यूज करूंगी। इससे भी बारीक छेद वाली जाली भी मेरे पास है, लेकिन हम 2 नंबर की छेद वाली जाली का यूज करेंगे। इसको हल्का सा मैंने ऑयल चिपका दिया है क्योंकि इसमें जब हम आटा डालेंगे ना तो आटा चिपकेगा नहीं, बिल्कुल भी लगे नहीं कि हमने ऑयल चिपका है। बस उस तरह से थोड़ा हल्का सा ही इसको चिकना करना है। तो इसको रेडी करके रखना जरूरी है ताकि जब हम आटा रेडी करें तो तुरंत ही इसमें डाल सके। तो अब हम क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे। गैस के ऊपर हम नॉनस्टिक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई नॉनस्टिक लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने जो घोल रेडी किया था ना वो हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। शुरुआत में गैस हम हाई रखेंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाए और ठीक होना शुरू हो जाए तो गैस हम धीमा कर देंगे, लेकिन इसको लगातार हिलाना जरूरी है क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो होता है ना वो नीचे बैठ जाता है और चिपक जाता है, तो इसको लगातार हिलाना जरूरी है। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हमें कॉर्नफ्लोर लेना है, हमें कस्टर्ड पाउडर नहीं लेना है। कई लोग कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसको हम लगातार हिलाएंगे और इसको पकने में 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। आप देख सकते हैं जैसे ही ये गर्म होना शुरू हो जाता है तुरंत ही ठीक होना भी शुरू हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा होना भी शुरू हो जाता है। तो एक गाढ़ा भी हो गया,
अभी मैं आपको बता रही हूँ उतने में तो ये गाढ़ा भी होने लगा है, लेकिन इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम व्हाइट है, मतलब कि ये कॉर्नफ्लोर कच्चा है। ट्रांसपेरेंट कलर ना हो जाए तब तक हम इसको धीमी आंच पर लगातार हिलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको मैं दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गर्मा गर्म ही संच के अंदर डाल देंगे और गैस में अभी बंद कर रहे हैं, गैस बंद कर देंगे। बस इस तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तब जाके आपका कॉर्नफ्लोर अच्छे से पकता है और सेव बनाने में बहुत ही बढ़िया रहती है। तो फ्रेंड्स इस सांचे के अंदर हम डाल देंगे, हमने जो ये रेडी किया ना आटा, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह से सांचा नहीं है तो आप किस तरह से सेव बना सकते हैं वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर सारा डाल देंगे, इसके बाद हम सांचे को बंद करेंगे। और फ्रेंड्स जब आप सांचा बंद करके सेव बनाए तो इसको डिश में या कोई भी चीज के ऊपर ना डालें, डायरेक्ट ही हमें बाउल के अंदर ही सेव पाड़ने हैं। तो बाउल को जो मैंने फ्रीज में रखा था ना, वो हम बाहर निकाल देंगे बाउल, और डायरेक्ट सेव बाउल के अंदर एक के बाद एक के कलर के अंदर हम सेव पाड़ेंगे। और सेव पाड़ने के बाद तुरंत ही हमें सेव को हिलाना या टच करना नहीं है, इसको 15-20 मिनट के लिए इसी फॉर्म में सेट होने के लिए रख देना है। अगर आप चाहे तो सेव पाड़ के तुरंत इस बाउल को फ्रीज में भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, ताकि ये एकदम चिल्ड पानी बना रहे। तो एक के बाद एक हम सारे तीनों बाउल के अंदर इस तरह से सेव पाड़ेंगे और साइड में रख देंगे। 15-20 मिनट के लिए हमें इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास सांचा नहीं है तो इस तरह की बॉटल का यूज करके भी आप सेव पाट सकते हैं, या तो फिर मेहंदी का जिस तरह से हम कॉर्न बनाते हैं ना, उसी तरह का कॉर्न बनाए और ठंडे पानी के अंदर पतली पतली सेव पाड़े। ये बॉटल से थोड़ी मोटी पड़ती है, फर्क इतना ही है। मैं इसको भी पाट के आपको दिखाऊंगी। पानी मैंने ठंडा लिया है, इसमें आइस क्यूब नहीं डाले है। तो बस इसी तरह से आप अगर बॉटल से भी पाट सकते हैं, देख सकते हैं कि ये थोड़ी मोटी पड़ती है, लेकिन सेव बढ़िया रहती है। इसको भी हम फ्रीज में रख देंगे। अगर आप कौन से पाड़ेंगे ना तो थोड़ा बारीक भी कर सकते हैं, बॉटल से तो थोड़ी मोटी मोटी सेव ही बनेगी। तो फ्रेंड्स आपकी मर्जी है कि आपको किस तरह से इसकी सेव बनानी है। तो इसको भी हम रखेंगे फ्रीज में ताकि ये ठंडी रहे। तो फ्रेंड्स 15-20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी सेव एकदम रेडी है फालूदा के अंदर डालने के लिए। अब हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप 2-3 दिन इसको इसी तरह से फ्रीज में रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, लेकिन पानी सहित बाउल को फ्रीज में रखना होगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।